हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। और आज का ये जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, एंड साथ में जो एसएससी की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको बाद में कोई भी वोकैबुलरी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं इस 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, रिसोर्सेज टू कवर टॉपिक्स। ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जहां से हम अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेथड्स टू लर्न वोकैबुलरी। एंड थर्ड पॉइंट है टेकिंग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेने वाली हूँ वोकैबुलरी को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी टू कम्प्लीट वोकैब प्लस प्रैक्टिस एंड रिविजन। एंड उसके बाद लास्ट में मैं PYQ के कुछ क्वेश्चन ली हूँ ताकि बिगनर्स को एक आइडिया हो जाए कि वोकैबुलरी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज टू कवर टॉपिक्स। ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जहां से हम अपने वोकैबुलरी के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो पहला रिसोर्सेज है बुक। सो सबसे पहले तो हम ब्लैक बुक से वोकैबुलरी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है प्लिंटो पैरामाउंट, जिससे कि हम अपने वोकैबुलरी को कम्प्लीट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज वर्ड पार बुक, जिससे कि हम अपना वोकैबुलरी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्री यूट्यूब चैनल, जिससे कि हम अपने वोकैबुलरी को कवर कर सकते हैं। फर्स्ट है तरुण ग्रोवर सर के यूट्यूब चैनल, एंड नेक्स्ट क्रेजी GK। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास बुक नहीं है तो हम PDF के थ्रू भी वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं। ब्लैक बुक के PDF आपको गूगल से मिल जाएंगे। ब्लैक बुक का जो PDF है वो आपको फ्री गूगल पे मिल जाता है, जिससे कि आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है PYQ के लिए, जहां से हम वोकैबुलरी को कवर कर सकते हैं। सो फर्स्ट बुक है नियॉन, सेकेंड बुक है प्लिंटो पैरामाउंट। सो इससे हम अपना जो PYQ का पोर्शन है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेथड्स टू लर्न वोकैबुलरी। एंड मैं इसी मेथड से वोकैबुलरी को लर्न करती हूँ। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स टू लर्न वोकैबुलरी। सो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहने वाला है वो रहेगा थीम बेस्ड अप्रोच। सेकेंड है निमोनिक्स के थ्रू आप वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। थर्ड है रूटवर्ड के थ्रू आप वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। एंड द फोर्थ इज आप वोकैबुलरी को हिंदी और इंग्लिश मीनिंग से लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप सेंटेंस के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हैं। आपको वोकैबुलरी एग्जाम में कौन से फॉर्म में देखने को मिलता है, तो आपको फिल्टर्स, क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स के थ्रू देखने को मिलता है। सो हमारा जो मेन मेथड रहेगा वो रहेगा डू R3 मेथड, जिसमें कि हम रीडिंग, राइटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपीटिंग की बात करेंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूटवर्ड के थ्रू हम वोकैबुलरी को कैसे लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने नोट्स को भी ऐड की हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम रूटवर्ड के थ्रू वोकैबुलरी को कैसे लर्न कर सकते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो रूटवर्ड है वो है थेई, जिसका मीनिंग होता है गॉड और रिलीजन। एंड द ईस्ट का मीनिंग होता है फॉलोअर। सो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं थेइस्ट, जिसका मीनिंग होता है द वन हु बिलीव इन गॉड। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एथेइस्ट, जिसका मीनिंग होता है द वन हु डोंट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। सो इस तरह से आप रूटवर्ड के थ्रू वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ली हूँ, जैसे कि हमारा दूसरा रूट वर्ड है लॉजी, जिसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ समथिंग। एंड यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ली हूँ, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड और रिलीजियस, सो थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अर्थ्रोपोलॉजी। अर्थ्रोप मीन्स ह्यूमन बींग, सो अर्थ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हैं रूटवर्ड के थ्रू। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ली हूँ रूटवर्ड का। सो द नेक्स्ट हमारा जो रूटवर्ड है वो है ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ और सेम और वन। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑटोक्रैट, जिसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु गवर्न्स विथ पावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑटोग्राफ, अ पर्सन्स ओन सिग्नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑटोमैटिक, मूविंग बाय इटसेल्फ। तो जैसे कि इस ऑटो रूटवर्ड का मीनिंग है सेल्फ, सेम और वन, तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हम कितने सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं ईजिली एक सिंगल रूटवर्ड से। सो
सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि निमोनिक्स के बेसिस पे हम वोकैबुलरी को कैसे लर्न कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर निमोनिक्स होता क्या है। बाय गिविंग अप स्टोरीज और राइम्स दैट लिंक्स न्यू वर्ड्स टू फेमिलियर कॉन्सेप्ट। सो ऐसे स्टोरीज और राइम्स बनाएं जिससे कि हम वोकैबुलरी को काफी समय तक और काफी जल्दी समझ ले और याद रख सके। सो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिस्टाइन, जिसका मतलब होता है क्लीन। एंड यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिए हैं, माय रूम इज अ मेस बट हिज रूम इज प्रिस्टाइन, मतलब कि मेरा जो रूम है वो मेस है एंड उसका रूम क्लीन है। इस तरह से हम कुछ स्टोरी और सेंटेंस बना के अपने वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं और इजिली समझ सकते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेडियंट, जिसका मतलब होता है ब्राइट। सो यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाए हैं, हिज स्माइल इज रेडियंट। सो इस तरह से हम कुछ सेंटेंस और स्टोरी बना के वोकैबुलरी को ईजिली लर्न कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ली हूँ, जैसे कि जो एग्जाम्पल है वो है अबेस, जिसका मीनिंग होता है डिग्रेड। और यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बनाई हूँ, ही डिग्रेड मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अबस्ट्रूस, जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस ली हूँ, एडवांस मैथ इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर मी बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाई हूँ, जैसे कि मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, तो उस तरह से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बनाई हूँ। सो आप अपने तरीके से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं जिससे कि आप इजिली इसको काफी टाइम तक रिमेम्बर रख सके। सो इस तरह से आप निमोनिक्स के बेसिस पे भी वोकैबुलरी को काफी इजिली लर्न कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि वोकैबुलरी को हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के निमोनिक्स के बेसिस पे कैसे लर्न कर सकते हैं। सो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फेलो, जिसका सिनोनिम्स होता है बैरन और फर्टाइल एंड एंटोनिम्स होता है कल्टीवेटेड। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं भी हम फर्टाइल एरिया में ही प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिस्पॉयल, जिसका सिनोनिम्स होता है पिलेज एंड लूट एंड एंटोनिम्स होता है इम्प्रूव और बिल्ड। सो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि जो सोमनाथ टेम्पल है उसको लूटा गया था एंड डिस्ट्रॉय किया गया था 17 टाइम्स। तो आप इसके थ्रू भी लर्न कर सकते हैं, काफी एग्जाम्पल या कुछ निमोनिक्स ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि वोकैबुलरी को हम हिंदी और इंग्लिश मीनिंग से कैसे लर्न कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका मीनिंग होता है टू ड्रॉ अवे और इसका हिंदी मीनिंग होता है निकाल देना। तो अगर आपको इंग्लिश मीनिंग से समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी मीनिंग से तो इजिली आपको समझ आ ही रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्वेंट, जिसका मीनिंग होता है टू इंट्रोड्यूस, परिचित करना। सो इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के थ्रू भी वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैशफुल, जिसका मतलब होता है शाई। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैलिब्रे, जिसका मीनिंग होता है एबिलिटी, योग्यता। सो इससे भी हमें इजीली समझ में आ रहा है, किसी भी चीज का योग्यता या एबिलिटी बताने के लिए हम कैलिब्री वोकैब है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैसिमेट, जिसका मीनिंग होता है विंडो या खिड़की। सो इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश मीनिंग से काफी इजिली वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे टाइप की वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ली हूँ, जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोवर्ड्स अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके सो द आंसर इज नेफेरियस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथ का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो क्या होगा। सो द आंसर इज फॉल्सहुड। जो वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे, इडियम्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बेसिस पे और स्पेलिंग्स के बेसिस पे आते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट वोकैबुलरी। ऐसे कौन से स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम अपनी वोकैबुलरी को काफी कम टाइम में कवर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा अप्रोच होगा वो ये है कि वोकैबुलरी को हम वर्ड के बेसिस पे और मीनिंग के बेसिस पे लर्न करें, या फिर हम वोकैबुलरी को सेंटेंस और सिनोनिम्स के बेसिस पे लर्न कर सकते हैं, या फिर हम वोकैबुलरी को रूट वर्ड या निमोनिक्स के बेसिस पे लर्न कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें से किसी भी बेसिस पे वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। आपको जिससे ईजी लगता है आप उससे लर्न कर सकते हैं।
उसके बाद हमें वोकैबुलरी को रीड करना है एंड सिंपल रिपीट करना है। और जब हमारा वोकैबुलरी कवर हो जाता है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स और क्लोज टेस्ट के बेसिस पे, और अगर टाइम है तो न्यूज़पेपर को भी रीड कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।